Hello, hello, welcome to a fresh episode of Mocha with Moiz. In this episode, we discuss gender, sexuality, colonialism, and how colonialism had this fixation with categorizing people into certain categories. We talk about violence against the Khwaja Saras, we talk about the Bilas, and is issue pe guftagu karne ke liye humne daawat di hai ek policy practitioner ko, a medical doctor, comedian, Khwaja Sara, Moiz. Moiz, what's up? सबसे पहले ये बताएं कि हमने अभी ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकली जो ख्वाजा सरा थे हमारे इस पूरे रीजन के अंदर, दे वर यू नो रिवर्ड अंडर द मराठास, दे वर गिवन लैंड ग्रांट्स, दे वर गिवन अ नंबर ऑफ कंसेशंस, बट व्हेन द ब्रिटिश केम, सो फॉर एग्जांपल लॉरेंस प्रेस्टन सेज दैट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम दे थॉट दैट व्हेन दे एनकाउंटर्ड द हिजरा they thought that this was one more aspect of India's barbarousness. Is barbarousness the right word? Barbarity. Yeah. And they were completely shocked that we had to care for these, and we inherited the responsibility to care for these wretched people. And then you see the Criminal Tribes Act in 1871, I think as well, where they said that entire community of eunuchs were criminalized. Yeah. So pehle agar hum baat kar sakein ki is region ki kya history hai, एंड हम सिर्फ ब्रीफली बात करेंगे ऐसे लॉन्चिंग पैड के, हिस्ट्री क्या है ख्वाजा सराज की, और उसके बाद किस तरह जो आज हम देखते हैं वायलेंस हो रहा है, इसमें कॉलोनियल स्टेट का कितना ताल्लुक है. अमीर, आपने सही बात बता दिया. ये तो आई थिंक दिस इज यू समराइज्ड. आई हैव समराइज्ड इट. आई लाइक दैट. मेबी दिस कैन बी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन ऑफ योर पॉडकास्ट. या वी गो इन रिवर्स. एक उर्दू शेर भी है ना कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे. तो बस बेहतरीन है. तो हमने कंक्लूजन से स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से हम स्पेसिफिसिटी से स्टार्ट करके एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं. आपकी बिल्कुल बात ठीक है. आप लम्स के पढ़े हुए, आप हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, सो आई अलाउ यू टू बी द नर्ड टुडे. And I'll try to be the local awami person as much as I can, which I am, as much as I can. मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? गोरे की हमसे फटी भी थी, सीधी सी बात ये. गोरे ने कभी देखी थी 23 साल की रानी जो जंग के तीसरे दिन एक हाथ में भी तलवार और दूसरे हाथ में भी तलवार पकड़ के बस निकल आई है बाहर अपना बच्चा अपनी कमर से बांध के? क्या मैं तुम लोगों को देखूंगी? रानी लक्ष्मी बाई फ्रॉम झांसी. गोरे ने कभी अवध और लखनऊ के इलाके के अंदर इमेजिन किया था कि तवाइफें एक हजूम में, ख्वाजा सरा एक और हजूम में, और सारी बेगमात तलवारें पकड़ के बाहर आएंगी जरा बख्तर पहन के जंग लड़ने के लिए. उनकी तो एक पुरानी मलका एलिजाबेथ वन ने मेरे ख्याल से एक वो मिलिट्री गार्ब पहन के उसने स्पैनियर्ड्स के खिलाफ एक स्पीच राउजिंग सी क्या दे दी, तो उसके ऊपर तो आज तक मेरे ख्याल से हॉलीवुड फिल्में बनाना नहीं बंद करता और अपनी हीरोइनों को अवार्ड देना बंद नहीं करते. हम तो गले काट के आई थी इनके. उनकी फटकी तो हमसे थी, तो बारबैरिक तो हम लोग थे. इट वॉजंट जस्ट दैट ख्वाजा सराज वर बारबैरिक, इट इज दैट द इंटायरिटी ऑफ द ब्राउन रेस इज बारबैरिक. ये जाहिल हैं, ये गवार हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनके महाराज जो डोलियों में सफर करते हैं. तो आपकी बरतानिया की मलका किसमें सफर करती है? क्या वो गोल्डन कैरिज के अंदर सफर नहीं करती? सो ये एक नैरेटिव देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कलोनियलिज्म, यू कैन नॉट लुक एट कलोनियलिज्म विदाउट साइमल्टेनियसली लुकिंग एट टू अदर थिंग्स, बोथ बीइंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी. Colonialism was simultaneously a project of capitalism, क्योंकि उसके साथ साथ ग्लोबल इंडस्ट्री और ग्लोबलाइजेशन इमर्ज कर रही थी. और जब ग्लोबलाइजेशन इमर्ज करती है तो वन नैरेटिव अबाउट हाउ द ह्यूमन रेस इज और हैज टू बी पॉपुलराइज्ड. तो साइमल्टेनियसली आपका एक वो वाला नैरेटिव भी आपके साथ में चल रहा था. एंड द सेकेंड वन दैट जस्टिफाइज दिस हेजेमनी, दिस पावर ब्रोकरेज, कि हम इनके ऊपर ताकत में क्यों हैं, एंड दैट वॉज इनेबल्ड बाय वाइट सुप्रीमेसी. So, मैंने यहाँ पे जेंडर को डिसोसिएट कर दिया. मैंने जेंडर को यहाँ पे एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर नहीं डाला. एक जेंडर स्पेसिफिक एंग्जाइटी थी उनकी ख्वाजा सराओं के खिलाफ. मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉलोनियलिज्म की तमाम जेंडर एंग्जाइटीज जो कि मर्दों पे भी लगती थी, मुसलमान मर्द कैसा है, औरतों पर भी लगती थी कि मुसलमान औरत कैसी है, उनके जो तबसरे थे, और ख्वाजा सराओं पर भी लगती थी कि ये जो इनके वियर्डोज हैं, जो इनके क्वेयर्स हैं, जो इनके फैगट्स हैं, जो इनके सोडोमाइट्स हैं, ये वाले जो यूनिक्स हैं इनके, उनके ऊपर भी लगती थी. मगर दिस जेंडर्ड एंग्जाइटी ऑफ द गोरा वाज स्टेमिंग आउट ऑफ दिस वन मॉडर्न साइंटिफिक नैरेटिव ऑफ द ह्यूमन रेस दैट दे हैड टू एस्टैब्लिश, नंबर वन थ्रू बायोलॉजी, व्हिच वाज देन उसके ऊपर सुपर इम्पोज थी आपके पास वाइट सुप्रेमेसी, दैट वी द वाइट मैन एंड स्पेसिफिकली द प्रोटेस्टेंट्स आर द चोजन वंस हु आर गोइंग टू शो दीज डर्टी हीदन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन हाउ इट इज टू बी एंड हाउ टू लिव आवर लाइव्स. Ironic, to conclude my point, very ironic, because in their own books they document
कि ये तमाम जगह जहां पे वो कॉलोनाइजेशन करने के लिए आ रहे हैं वहां पे उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि दैट इज अ टेरिटरी जिसके अंदर उन्होंने लेबर को यूज करना है फॉर गुड्स एंड प्रोड्यूस दैट इज गोइंग टू देन कम एंड सर्व द एम्पायर और द किंगडम. सो वी वर नेवर दिस उनका एक बोबड़ा प्रोजेक्ट उनके दिमाग में था तो सही, लेकिन हकीकी तौर पर कलोनियल अपनी मेंटेलिटी के अंदर भी दैट वॉज नॉट द ओनली नैरेटिव अबाउट अस. वो अपनी लोकल जनता को तो ये कह रहे थे जो कॉलोनियल आपकी फोर्स थी कि हम यहाँ पे इनको डिसिप्लिन करने के लिए आए हैं, इनको तमीज सिखाने के लिए आए हैं और अपना ये रूल ऑफ लॉ फैलाने के लिए आए हैं और जो आजकल अमेरिका डेमोक्रेसी फैलाने के नाम पे करता है. लेकिन मैक्रो लेवल पे ब्रिटेन के लेवल के ऊपर तो दिस वॉज जस्ट अ यूके सेंटर यूके फर्स्ट पॉलिसी. उसकी तो बड़ी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन थी. वो तो लेट अर्ली 1800 से लिख रहे थे बैठ के कि यहां से हमारा इतना प्रोड्यूस आएगा तो हम ये करेंगे, यहां से हम ये वाला एग्रीकल्चर डिस्प्लेस करके ये वाला लगाएंगे तो ये वाला काम होगा. तो हमारे भी इनफैक्ट लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी के, देखो रेलवे दिया है इन्होंने कितना अच्छा काम किया विदाउट रियलाइजिंग हाउ दैट रेलवे फॉर एग्जांपल सपोर्टेड देयर इंडस्ट्रीज एज वेल. इट अलाउड द ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो पाकिस्तानी बहुत खुश है वो जाके रेलवे में सफर करें, फिर वो रेलवे कैरेज के अंदर अपना घर बना लें. अगर वो इतने खुश है तो वो रेलवे कैरेज के अंदर बैठे वो रोजाना अपनी सुबह की शुरुआत किया करें यूके के बंदे मातरम के साथ, उसके बाद वो मलका को सलामी पेश किया करें अपने सर की और अंग्रेजी में बात किया करें और सलाम अलैकुम जगह गुड मॉर्निंग बोल दिया करें, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं. सो बिस्मिल्लाह. आर आर्गुमेंटेशन इज नॉट अगेंस्ट पीपल हु आर कॉलोनाइज्ड. वो तो है, उन्होंने गोरे को अपना सरदार मान लिया, भगवान मान लिया, खुदा मान लिया. सो बिस्मिल्लाह, आप जाए करें उसकी पूजा, हमारी बात उनसे तो नहीं है. मैं अपने मुकालमे में, मैं अपने डायलॉग के जरिए, मैं अपने कॉन्टेंट के जरिए उन पाकिस्तानी लोगों से मुखातिब हूं जिनके अंदर एक गुस्सा है, जिनके अंदर एक आग है कुछ अच्छा करने की, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने जिंदगी में इतनी छोटी छोटी और इतनी दरमियानी और इतनी बड़ी लेवल की चीजों के साथ जंगे और जहादें लड़ी हैं कि वो थक गए हैं, कि हम भूल गए हैं कि हमारा दुश्मन क्या था. हमें समझ नहीं आती हमारा दुश्मन कैपिटलिज्म है या मौलवी है या सेक्युलरिज्म है या इंडिया है या इसराइल है या कॉलोनाइजेशन है या हिस्ट्री है या क्या है भाई. तो पीपल इन पाकिस्तान, लिविंग इन पाकिस्तान, हु आर लुकिंग फॉर अ कोहेसिव नैरेटिव दैट टाइज एवरीथिंग टुगेदर. मैं तो उनके साथ हम कलाम हूं. आई एम नॉट आंसरेबल टू और आई एम नॉट इवन बॉदर्ड बाय द मीर सादिक्स एंड मीर जाफर्स ऑफ टुडे. आई एम नॉट इवन, आई डोंट इवन वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. दैट इज नॉट इवन अ ब्रिज दैट आई वांट टू मेक. माय ब्रिज इज फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दीज मीनिंग्स एंड दीज मीनिंग्स आर जस्ट देयर इन देयर ग्रास्प बट दे कांट गेट टू देम. व्हाई? बिकॉज दिस एजुकेशन इज ओनली एक्सेसिबल टू पीपल हु गो टू प्रीमियम English medium, private universities or education abroad, जिनके अंदर आप शुमार हैं, मैं शुमार हूँ. मेरे साथ इसलिए हो गया क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक अच्छे दिमाग से नवाजा था. और जब आप गरीब होते हैं और आप ये होते हैं और आप पहाड़ों के अंदर पल बड़े होते हैं तो आपको पता होता है कि यू हैव टू डू एवरी थिंग इन योर पावर टू क्लाइंब अप द पोल बिकॉज नो बॉडी एल्स इज गोइंग टू पुल यू अप. सो आई वॉज एन ए स्टूडेंट एंड हेंस आई गॉट एक्सेस टू दिस एजुकेशन. लेकिन उसे पाकिस्तान की बाकी आवाम का क्या कसूर है? पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे को ये तालीम क्यों नहीं मिल रही जब हर कोई अग्री करता है, रियासत भी इससे अग्री करती है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि ख्वाजा सराफ फोबिया, वायलेंस ऑन ख्वाजा सराफ पीपल इज अ लेगेसी ऑफ द कॉलोनियल लॉ. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2018 पास कर चुकी है, जिसमें लफ्ज तो हमने ट्रांसजेंडर लगाया मगर तारीफ ख्वाजा सराफ की लिखी है. हम ये काम कर चुके हैं. ये वो जंगें जिनसे मीर सादिकों और मीर जाफरों को लगता है कि पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता या हाया है ये पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया. मैं इन तमाम चूतियों का पैगाम देना चाहती हूं कि वो हम जंगें जीत चुके हैं. आप लोग बैठे रहे अपने मिजरी पॉन के अंदर, गोरे की याद के अंदर. हम तो हरा भी आए हैं, हम तो तब नहीं मरे, हम आज क्या मरेंगे? आगे के रास्ते पर हमारे साथ शामिल होना है कि नहीं, ये एक दावत है. अच्छा, ये डाइकॉटमी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रांसजेंडर एंड ख्वाजा सराफ, बिकॉज आई थिंक अ नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट द ख्वाजा सराफ दे ऑटोमेटिकली यूज द वर्ड ट्रांसजेंडर. एंड आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर अदर इंटरव्यूज वेयर यू सेड दैट दिस इज एन अबहोरेंट टर्म. सो ये अगर बता सकें, बिकॉज एंड यू सेड दैट ट्रांसजेंडर दैट ख्वाजा सराफ इज मच मोर ब्रॉडर, इट एनकैप्सुलेट्स मच मोर. तो अगर ये हमारे देखने वालों के लिए बता सकें कि डाइकॉटमी है क्या, ट्रांसजेंडर क्या है. It's not transgender versus Khwaja Sara. In fact, when we do transgender versus Khwaja Sara, that is when we introduce an artificial dichotomy. Okay. The dichotomy is actually very simple to explain. जैसे दो दोस्त बैठे हुए हैं, हम लड़के, और एक लड़के ने बोलना है कि मैंने अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए जाना है, तो वो नहीं बोलेगा अपनी बहन को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, बोलेगा अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ. डाइकॉटमी बड़ी सिंपल है, ये है, ये इसका जवाब है कि हमें लगता है कि हर चीज को बाइज्जत तरीके से अदा करने के लिए मौलवी के आते हैं, तो हमारी जो नॉन मौलवी आवाम है वो अंग्रेजी में लेकर आती है ना, जी मैं अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, जी मेरी मदर ने हॉस्पिटल जाना है,
मान अस्पताल जाने नहीं होगा, वालदा को अस्पताल लेके जाने नहीं होगा, तो वो तो वहां पे आता है कि जी हम इज्जत करें तो हम इज्जत से बोलते हैं जी ट्रांसजेंडर। हमारी क्या ट्रांसजेंडर, सिंपल तर्जुमा है ख्वाजा सर? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट, इट कैन नेवर बी अ तर्जुमा, ट्रांसजेंडर कैन नेवर बी अ डेफिनेशन। ट्रांसजेंडर इज अनदर फ्रेमवर्क, ख्वाजा सरा इज अनदर फ्रेमवर्क, दे आर बोथ टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑल टुगेदर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्रांसजेंडर की बड़ी सिंपल तारीफ है कि वो दौर जब से बर्थ की डॉक्यूमेंटेशन पे जेंडर लिखा जाना शुरू हुआ है, उस दौर से लेके अब तक वो तमाम लोग जिनके दस्तावेजात पे लिखा हुआ जिंस और उनका अपना अंदरूनी हिस जो है जिंस का, अगर वो दोनों आपस में कोलैबोरेट नहीं कर रहे, कागज पे कुछ लिखा हुआ है और आपके दिमाग और आपकी हिस के अंदर कुछ है, तो आप ट्रांसजेंडर है। वेरी सिंपल, ये उसकी डेफिनेशन है। ख्वाजा सरा इससे पीछे जाता है। ख्वाजा सरा इज नॉट अ जेंडर, ख्वाजा सरा इज अ तरीकत, इट इज अ कल्चर। बरे सगीर पाक और हिंद के अंदर चीजें बायोलॉजी पर नहीं डिसाइड होती। मैं अगर अभी आज यहाँ पे झुमके पहन के आई हूँ, ये करके आई हूँ, ये करके आई हूँ, आपको जो दो कराची के भाई बैठे हैं, इन्होंने आके मुझसे पूछा है कि आपकी पतलून में क्या है, इन्होंने आके मुझसे पूछा है कि मेरे जेंडर प्रोनाउंस क्या है, नहीं, उन्होंने अगर उन्होंने मुझसे भाई क्या कि तुम इससे बात करनी है, वो मुझसे भाई क्या कि तुम इससे बात करेंगे, अगर उन्होंने मुझे मैडम का कि तुम इससे बात करनी है, वो मुझसे मैडम का कि तुम इससे बात करेंगे, वो मुझसे तुम इससे बात करेंगे, मैं उनसे तमीज से बात करूंगा, मैं तमीज में बात करूंगी, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स हाउ इट गोस। ख्वाजा सरा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर नईम भाई भी है और कहीं पर नईमा आशिकजादी भी है। मोहल्ले वाले बच्चे उसको नहीं भाई, नहीं भाई भी कहते हैं, हालांकि उसने पॉलिश भी लगाई दिया, उसने पोनी भी बांधी दिया, लेकिन वो उसके पास इसलिए आती है क्योंकि वो जुम्मे के दिन न्याज की बिरयानी देती है और वो बिरयानी होती है बड़ी लजीज। तो अब क्या मैं एतराज दौड़ के बैठ जाऊं कि आप इनको मिसजेंडर कह रही है, नहीं भाई क्यों कह रही है? द होल आइडिया अबाउट ख्वाजा सरा इज दैट जेंडर इज अ परफॉर्मेंस, वन, नंबर टू, जेंडर इज अ सोल, टू, थ्री, जेंडर इज अ तरीकत, इट इज अ वे ऑफ बीइंग। आपने अपना इजहार किसी के आगे क्या करना है, अगर आप किसी माई के आगे जाएंगे, बुजुर्ग औरत के अगर आगे जाएंगे, तो उनके आगे आप धीमे होंगे, आप नीवे होंगे। यह है आपकी तरीकत, यह है आपकी ख्वाजा सराइयत। अगर आपने उठना है और आपने जाके अपने हकूक के लिए जंग लड़नी है, या अगर आपने गरीबों के साथ खड़ा होना है, अगर आपने मस्कीनों के साथ खड़ा होना, उनका सहारा बनना है, तो फिर आप काला लिबास पहनेंगे, आप काली चादर काली कमली ओढ़ेंगे, क्योंकि उसकी एक सुन्नत के साथ और उसकी एक हुसैनियत के साथ एक हमारे पास एक लिंकेज है, और आप जाके भरम के साथ बात करेंगे और आप अपने आप को एज अ साहब इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो ये है, इट्स नॉट अ फिक्स्ड स्टैटिक कॉन्क्रीट आइडेंटिटी। ट्रांसजेंडर इज अ मॉडर्न टर्म, इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी अपॉन अ बॉडी, वेर एज ख्वाजा सरा इज प्री बॉडी, वी डोंट इवन गो टू द बॉडी। सो कंपेयरिंग द टू इज काइंड ऑफ, yeah, it doesn't make sense. There are two different frames of reference altogether. लेकिन वो तमाम लोग जिनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा वेस्टर्न है और वो हर चीज को LGBTQIA plus कि किसी भी एक अल्फाबेट को निकाल के इस सूप में से, फिर उसका तारीफ पढ़ के, तर्जुमा पढ़ के, फिर उसकी पाकिस्तान के अंदर दूरबीन के साथ मिसालें ढूंढने निकलते, जी LGBTQIA होता है, जी एल किधर है पाकिस्तान में, जी जी किधर है पाकिस्तान में, जी बी किधर है, जी टी कैंज होने देने पाकिस्तान च, आए भी मैंने दसो हूँ, तो हम मैं क्यों भी दसो पाकिस्तान से क्यों कहें जो होता वे, फिर हम मैं ए भी दसो, फिर मैं अलाए भी दसो, फिर मैं प्लस 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 भी दसो। अगर वो दूरबीन लगा के आपने ढूंढना है, तो बराए मेहरबानी आप बीबीसी से रब्ता करें और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से रब्ता करें, वो आप लोगों की हेल्प कर सकती है। ख्वाजा सराओं के पास, फकीरों के पास अगर आप आएंगे, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, जो भी हैं, अगर आप तमीज से दाखिल हो रहे हैं, उनसे तमीज से मुखातिब हुए हैं और दरवाजे पे उनके आ रहे हैं और हामे हामिल आ रहे हैं और अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, वो आपको सुकून से ख्वाजा सरा अपने घर बिठाएगा। सो ख्वाजा सरा इज अ कल्चर, और ख्वाजा सरा की बड़ी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये हो सकती है जो कि मैंने बनाई थी एक जमाने में, इट इज एन इंडिजिनस जेंडर स्पिरिचुअलिटी रिजीम लोकलाइज्ड टू साउथ एशिया एंड इन्फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज्म, कलंदरियत एंड जेंडर ट्रांसेंडेंस। वी ट्रांसेंड जेंडर, वी आर नॉट आर जेंडर। कह रही आप क्या हैं, हम कहते हैं इससे क्या सही तो एतराज है कि हम क्या हैं, हम तो ये नहीं पूछते कि हम क्या हैं, हम तो ये भी पूछते हैं हम कब हैं। क्योंकि अगर मैं हूं आपके साथ और आपसे तीन घंटे बाद मैं किसी और के साथ मैं हूं, तो क्या ये दोनों मैं बराबर थे? हाँ, ये दोनों मैं बराबर थे, लेकिन नहीं भी थे। तो हम तो सिर्फ क्या नहीं पूछते, हम तो कब भी पूछते हैं। हमारी तरीकत में हमारी ख्वाजा सरा की जेंडर की एक्सप्लेनेशंस नहीं होती, हमारे यहाँ तो जेंडर पर डिबेट्स होती है, तो तबसरा होता है, उसका इजहार होता है। आपकी दाढ़ी है या आपकी दाढ़ी नहीं है, अगर आप एक मूर्त और आप मेरे डेरे पे आई हैं, मैं गाना लगाऊंगी, बोलूंगी शाबा पुत्र मैं नाच के दिखाओ, करके दिखाओ, क्योंकि मैं आपको वो स्पेस दूंगी टू बी योरसेल्फ। ये है ख्वाजा सराइयत। मेरी एक गुरु होंगी जो कि मुझे फोन करके बोलेंगी, मुझे अभी उन्होंने फोन करके बोला है
कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है, दो देगी उन्होंने जाके दाता दरबार पर चढ़ाई है मेरे लिए, और उन्होंने बोला कि इस दफा जब तुम आओगी तो मेरे पास आकर रुकोगी, अकेली नहीं हो तुम, ये वाली बात याद रखना। वो क्या है, वो मेरी माँ है या वो मेरा बाप है, वो दोनों है या वो उन दोनों से मावरा है, क्योंकि माँ और बाप तो जिन्स में कैद हो गया और जिन्सियत में कैद हो गया। मेरी चेलियां, मेरी चेलियां, मैं उनकी माँ हूं या उनकी बाप, वो मेरी चेला बैठी थी आपके सामने, उसको बालों से पकड़ा था और बीलों ने गाड़ी से घसीटने की कोशिश की थी क्योंकि वो मुझ पर उसके ऊपर हमलावर होना चाहते थे। अब मैं उनके हाथ काटना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूं या उसका बाप हूं। आई ट्रांसेंड दिस रिलेशनशिप, क्या वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है या मेरा दोस्त है, वी ट्रांसेंड दीज रिलेशनशिप्स। कोई माई फोत होती है, अगर कोई मेरी सालगिरह, किसी की सालगिरह के ऊपर कोई फंक्शन वगैरह पे सब कुछ होते हैं, मैं जाकर साथ खड़ी होंगी, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्यों? बिकॉज वी ट्रांसेंड दैट, सो वी ट्रांसेंड हेटरोनॉर्मेटिविटी एंड दैट्स आर लिबरेशन, दैट्स आर पावर। सो व्हेन वी आर, व्हेन यू नो, व्हेन द मॉडर्न बोर्जुआजी सेल्फ अज्यूमेडली लिबरल पर्सन हु इज एट द core of their feminism lies white feminism and white queerness and white queer expression and Eurocentricity asks any of our Khwaja Sara people to translate our existence once again. Hum to kitne zamane se tashreeh karte aa rahe hain apne, they once again want us to translate our existence into a secular sexuality first framework. We fail, we can't define ourselves through a body because we are more than that. We are a soul, we are a way of being, we are a thought, we are an idea, we are a resistance, we are a movement. How do I limit it to the narrow scope of definitions of homosexual and heterosexual and bisexual categories and identities and peoples and populations that are literally defined by what they want to do in bed? Yeah, literally, how banal is it? So I'm very critical of the GB framework. L को मैं नहीं लाऊंगा because lesbianism is more than women fucking women. वो तो हमारे लड़कों और लड़कियों ने porn देख देख के उनको inform हुआ है. Heterosexuals को लगता है कि जी that is a definition of lesbian. Lesbian culture is also more than that. वो तो होती है इतनी थोड़ी है कि उनमें sex होता ही इतना कम है. वो उसके अलावा कुछ होता है. तो जब तक आपके ये sexuality first frameworks रहेंगे तो आप लोग पाकिस्तान के अंदर क्या, आप लोग दुनिया भर के अंदर आप लोग फंक्शन नहीं कर सकते. और आई थिंक ये हमने पहले भी बात की थी कि हमारी फॉर एग्जांपल जो आज की भी रियासत है ये एक रेमनेंट है कॉलोनियल रियासत की, और आज अगर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी देखें तो एक डिजायर लगती है लोगों को कंट्रोल करने की। बिल्कुल। और शायद ये भी प्रॉब्लम है कि आप ख्वाजा सरा को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब कहें कि ख्वाजा सरा क्या है तो आप पूछते हैं कि क्या, व्हाट आर द, इसकी जेनेटिलिया क्या है, क्या ये मर्द है, क्या ये औरत है। Yeah. और जब आप कहें कि नहीं, ना तो मैं मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, आई ट्रांसेंड दीज बाउंड्रीज और मैं सूफी भी हूँ फिर, तो शायद ये भी है कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, हम तो इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर जेनेटिलिया के ऊपर ही आना है, आई एम अ डॉक्टर, आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट, अगर जेनेटिलिया के ऊपर ही आना है तो आ जाओ, सो बिस्मिल्लाह। इंटरसेक्स के अंदर, सिर्फ इंटरसेक्स के अंदर 56 वेरिएशंस आ चुकी हैं। अब उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जी लंट अटे मर्द, दी ओवरीज औरत, दो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, 58 मैंने टोटल बना दी, तो अगर सिर्फ जेनेटेलिया के ऊपर आने तो आओ, सो बिस्मिल्लाह, 18 साल की उम्र में सबकी शलवारें उतारो, उतारो ना फिर। बेपर्दगी अगर करनी है तो फिर सबकी करो, जेनेटेलिया की बुनियाद पे बनाए। और ये भी एक हमेशा टेंशन रहती है ना माशरों के अंदर, कि आपने मुझे पहले भी हम ये वाली बात कर रहे थे कि एक स्पेस आपकी एक प्राइवेट स्पेस है कि आपकी पब्लिक स्पेस है, और ये हमेशा झगड़ा रहता है कि आपने कहाँ तक उस पब्लिक स्पेस को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ। और कितनी आपको प्राइवेट स्पेस आपके अलाउ कर दी है। लेकिन और शलवार के अंदर रियासत को किसने घुसाया? मुसलमान ने। किस मुसलमान ने शलवार में रियासत को घुसाया? आप मुझे कोई एक इस्लामिक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री से एडिक्ट निकाल के दिखा दे जब किसी को बरहना किया गया। एक दो मिलते हैं बरेसगीर पाको हिंद के लोकल कम्यून के अंदर, और वहां पे भी उनका नैरेटिव एसोसिएटेड है वो ख्वाजा सरायत का है। फॉर एग्जांपल, एक ख्वाजा साहब के बारे में एक तबका है ख्वाजा सराओं का जिनका ये बिलीफ है कि उन्होंने काली चादर ओढ़ी हुई थी और वो घुंघरू पहनते थे, और उनको इस तरीके से एक काजी की अदालत में नंगा किया गया। उनसे पूछा गया कि तुम ये अल्लाह का पैगाम इस तरीके से क्यों फैला रहे हो? काजी की अदालत में उनसे पूछा गया, तो उसने बोला कि क्योंकि मैं अल्लाह की मूरत हूँ, मेरे अंदर रूह है जो कि अल्लाह की बनाई हुई है, तो खुदा जब मेरी रूह के साथ हम कलाम होता है और वो उस रूह के जरिए, मेरे जरिए, कला के जरिए और मेरे हुनर के जरिए दुनिया को अपनाइत दिखाता है और अपनापन दिखाता है जिसके साथ लोगों को ये पैगाम मिलता है, तो ये मेरा इजहार है, मैं अल्लाह की मूरत हूँ, मट्टी की मूरत हूँ, उन्होंने कहा था मैं मट्टी की मूरत हूँ, जैसे आदम मट्टी की मूरत थी जो खुदा ने बनाई और फिर उसमें रूह फूंकी, तो मैं एक मट्टी की मूरत हूँ, मुझे भी खुदा ने बनाया और मुझमें एक रूह फूंकी है, तो इस मट्टी की मूरत में से रूह का इजहार जिस तरीके से होना है हो जाए। तो उनको अदालत के अंदर उनकी शलवार उतार के नंगा कर दिया गया, और फिर उधर बैठे हुए कुछ लोग हंसे और उन्होंने बोला ये तो मर्द है। तो उन्होंने बोला क्यों, तो मुझे ये क्यों कह रहे हो, मर्द क्यों कह रहे हो, मुझे मूरत क्यों नहीं कह रहे? तो उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारे साथ ये लगा हुआ है।
तो उन्होंने चाकू निकाला और उन्हें काटा। उन्होंने बोला कि अगर मेरा जिस्म जो कि खुदा की तखलीक है तुम्हें मेरी रूह का इनकारी बनाता है, मुनकिर बनाता है, जो कि मेरा हक है, हक हक वो है जो गॉड क्रिएटेड है, स्पिरिट इज द ओनली थिंग दैट वी कैरी इनटू द आफ्टर लाइफ, राइट, एवरीथिंग एल्स डीकंपोजेस इन दिस लाइफ, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें इस गुनाह से आजाद करने के लिए अपने आप को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर देता हूं, ये लो। बहुत से कुछ मुफक्किरीन का भी ये कहना है, बहुत सो का तो नहीं, सिर्फ इक्का दुक्का का ये बेसिकली अब ये भी मानना है कि ये जो एक स्टोरी है एक माइथोलॉजी है, ये हकीकी स्टोरी नहीं है। वो कहते हैं कि ये वाली स्टोरी क्रिएट की गई थी ख्वाजा सराज के अंदर आफ्टर 1857 एंड आफ्टर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, बिकॉज उसके बाद हमारे अंदर एक मूवमेंट चली थी जिसको हम लोग कहते हैं द पर्दा मूवमेंट। वी वेंट इनवर्ड्स, लोग एग्जोडस करते हैं, वी वेंट इनवर्ड्स, हम लोग अपने डेरों में आ गए और हमारे बुजुर्ग अपने डेरों में आके छुप गए। छुपने से मतलब उन्होंने पर्दा उड़ दिया, पर्दा उड़ने से मतलब ये कि वो अपनी कम्युनिटीज तक मोहतात रहे, उन्होंने अपनी जबान सिर्फ अपनों को सिखाई, अपनों के अलावा और किसी को भी नहीं सिखाई, और सिर्फ उन कम्युनिटीज के अंदर रहे जहां पे उनकी इज्जत थी। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जिनके अंदर यूनक्स की आबादी सबसे ज्यादा थी, आज तक उन इलाकों के अंदर यूनक्स की इंतहा से ज्यादा इज्जत है। वन ऑफ देम इज माय नेटिव होमलैंड मानसहरा। मानसहरा में ख्वाजा सराओं की इतनी इज्जत है कि आप सोच नहीं सकते। नंबर टू सेवन शरीफ, नंबर थ्री मुल्तान, ये तीन, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल एक वो एक हिस्टोरिकल इनकी एक वो थी बेसिकली। सो ये जो शलवार में घुसने वाला आइडियल है ये एक बड़ा एक बायोलॉजिकल आइडियल है, एंड दिस आइडियल इज के फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट नीड्स टू नो व्हाट योर सेक्स इज, फॉर दैट सेक्स नीड्स टू बी डिफाइंड अ सर्टन वे, एंड इफ यू वांट टू डिफाइन सेक्स अ सर्टन वे देन देयर आर फाइव डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल डिफाइनिंग समबडीज सेक्स, एक्सटर्नल जेनिटल्स, इंटरनल जेनिटल्स, क्रोमोसोमल मेकअप, हार्मोनल बैलेंस, मल्टीपल डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसके ऊपर भी हमारे पास, और एपिजेनेटिक्स के जीन्स का एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरीके से हो रहा है। इसके ऊपर कुछ लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, ये छह, सिर्फ जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो है भी नहीं, दिस इज लिटरली सिक्स, सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उम्र अगर आप लोगों ने आना है तो उसके अंदर ही मल्टीपल इंटरप्रिट मल्टीपल डिफरेंट चीजें हैं, फिर आप हाइपोस्पेडियस वाले को भी अलग सेक्स लिखो, फिर आप फ्यूज लेबियम वाले को भी अलग सेक्स लिखो, लिखो ना, सबकी शलवारें उतारो, हमने तो किसी की शलवारें उतारने का नहीं कहा, रियासत ने हमारी बात से एग्री किया, रियासत ने कानून पास कर दिया, द फेडरल लॉ स्टेट्स दैट ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट स्टेट्स दैट ख्वाजा सराज जेंडर नॉन बाइनरी पीपल, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन और एनी अदर जेंडर नॉन वेरियंट पीपल कैन गो टू नात्रा, दे आर अलाउड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एज अप्रूव बाय द काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी दैट दे आर अलाउड टू सेल्फ चूज देयर जेंडर। कौन खुसरा बनना चाहता है जबरदस्ती पाकिस्तान में, जब उनको पता है कि कितने खुसरों का कोटा है, कोई खुसरों को हमारे यहाँ वजीर आजम लगाया जाता है, खुसरों को पार्लियामेंट के अंदर जगह मिलती है, ये जो कहते हैं शौक से खुसरा, शौक से कौन खुसरा बनता है, बन जाए जिनको शौक है, बन के दिखाए ना, बन के दिखाए, आज मेरा चैलेंज है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि शौक से खुसरे बने हुए, मेरा चैलेंज है आप सुबह 8 बजे मैं आपकी ट्रेन का टिकट दूंगा, मैं आपके नाश्ते के पैसे दूंगा, आपने कराची आना है, आपने सुबह उठना है, मैं आपका मेकअप करूंगा, आपको फेक ब्रा पहनाऊंगा और मैं आपको चौक पे खड़ा करूंगा भीख मांगने के लिए, और मैं आपको रात 8 बजे उठाने के लिए आऊंगा। बताएं मुझे उसके बाद कि अगले 10 दिन के लिए आप शौकिया बनना चाहती हैं कि नहीं। ये अंसार अब्बासी टाइप जो आपके पास मीर सादिक मीर जाफर है, जो कि बेसिकली एक फेक हॉलो डिलिबरेटली कंजर्वेटिव रेटरिक पाकिस्तान का सिर्फ इसलिए पेश करती हैं ताकि उस नैरेटिव के ऑपोजिशन में वेस्ट वाले उनको टारगेट करें। जब वेस्ट वाले उनको टारगेट करेंगे तो उनको पता है कि जी आप के अपनी आवाम को बोलेंगे वो देखो अमरीका और इसराइल वाले मेरे खिलाफ ये बातें करें, मैं कितना अच्छा हूं, और हमारी मासूम आवाम उन्हें कबूल कर लेगी। दिस इज स्ट्रेटेजिक, दे आर जस्ट फूलिंग आवर पीपल, दीज पीपल, ये उनको इंडिजनाइटी की तरफ तो नहीं लेके जाते, ये इस्लाम के दायरे में लोगों को एक्सेप्ट तो नहीं करते, ये तो खारिज करते हैं। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस दैट कम विद इट, एंड बायोलॉजी वाली बात को मैं दोबारा एट द एंड ऑफ द डे आई वुड अगेन लाइक टू कंक्लूड लाहौर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट अंडर इफ्तिखार चौधरी ने काफी जजमेंट भी पास की है अबाउट यू नो ट्रांसजेंडर राइट्स, लेकिन जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो सो फॉर एग्जाम्पल फूको सेज दैट अंडर द कॉलोनियल स्टेट दे वर पीपल हु ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट्स अमंग वन क्लास, और उससे हुआ ये करता था कि एक वो पर्टिकुलर सेगमेंट को एक क्लास को कोशिश करते थे कि इसको पेंट करें एज इमोरल एज डेंजरस, और ये बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी सारी लेजिस्लेशन के बावजूद जो एक विसरल हेट है
ख्वाजा सराज के लिए वो कम नहीं हुई हमारे मुल्क के अंदर. सो व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? डू यू आल्सो ट्रेस दैट कोलोनियलिज्म? या बट डू यू थिंक कि उसके बाद भी रियासत में आई थिंक आई वुड ट्रेस 99% ऑफ इट टू कोलोनियल, लेकिन उसके अंदर 1% हमेशा हमारा अपना भी तो रहा है. एक अपना हमारा अपना भी तो होता है, वरना तो हम कलंदर होते ही ना. वरना तो बाबा बुल्ले शाह ना कहते कि कंजरी पड़िया जात नहीं करती सानू नच के यार बनावण दे. वो ये ना कहते कि मेरा पिया घर आया हो लाल नी. पिया उनके कौन थे? उनके सूफी लीडर, उनके गुरु जिनको वो गुरु मानते थे. और वो बहुत अरसे के लिए चले गए थे क्योंकि वो दुनिया से तंग आ गए थे, उनको नहीं समझ आते. उस बाद अपने घर लौट के आए तो बाबा बुल्ले शाह ये कहते हैं कि मुझे अपने आप उनके बगैर तनहा महसूस होता था, क्योंकि मेरा मेरा कोई गाइड नहीं था, मुझे कुछ बताने वाला. अपने मैं सवाल ले गए किसके बाजू में, किसके साथ हम कलाम हूँ. तो उन्होंने खुशी के अंदर उन्होंने एक लाल चादर ओढ़ के गाना गाया कि मेरा पिया घर आया हो लाल नी. आज हम इसको क्या बोलेंगे? होमो एरोटिसिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, होमो सोशलिटी. इज देयर इवन सेक्सुअलिटी इन हियर? वो दूरबीन लगा के ना वेस्टर्न लेंस से हमें तलाश करने की हमने बेसिकली कोशिश करनी होती है. तो उन्होंने ये वाली बात बाद में की कि घुंघरू पहन के जात नहीं करती सानू नच के यार बनावर दे. इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हैं. मंजिल सूफी का कोक स्टूडियो ने किया था सन्नम मारवी का, मेरे ख्याल से सीजन 3 में कि सीजन 2 में. उसमें उन्होंने बहुत प्यारा करके इसको गाया मेरे ख्याल से सराइकी के अंदर, मुल्ला मार ना मैं कोठरी को, मैं को नच के यार बनावर दे, कंजरी बनिया साड़ी इज्जत नहीं घटती. तो यूं करके वो उसको लेकर चलती हैं आगे. तो हमेशा से रहा था डिफाइंग पेट्रियार्की हैज बिन अ फॉर्म ऑफ कलंदरी रेजिस्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लाहौर के अंदर भी आपके पास सबसे बड़ा जो जुलूस मुहर्रम का निकलता है वो आपके पास हीरा मंडी के अंदर निकलता है, काफी बड़ा जुलूस. और उसको जो आगे से और पीछे से गार्ड करती हैं वो औरतें करती हैं, हु आर ऑलवेज टॉल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड. ये जेंडर वेरियंस है, ये जेंडर रेजिस्टेंस है एक तरीके से. तो बेसिक रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. अच्छा, यू कीप टॉकिंग अबाउट दिस वेस्टर्न लेंस कि जैसे हम हर चीज को देखते हैं, लेकिन आई थिंक ये सिर्फ एक वेस्टर्न लेंस नहीं है, हमारी सोसाइटी का मसला है ना. कि फॉर एग्जांपल अगर आप मौलवी हैं तो आप हर चीज को एक सऊदी लेंस से देखेंगे, अगर आप थोड़े लिबरल हैं तो आप हर चीज को एक वेस्टर्न लेंस से देखेंगे. आजकल आप हर चीज को आपने टर्की का अपना बाप बना लिया है. बिल्कुल. सो आई थिंक हमारा ये भी, हम जब बात करते हैं इंडिजिनस स्ट्रगल की, तो शायद इसलिए भी नहीं है बिकॉज हमारी तो एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कोई नहीं है. कि हमेशा देखते रहते हैं किसी बाप को तलाश करना, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अमरीकी हो, चाहे वो गोरे हो. सो आई थिंक ये भी है हमारे मुल्क में फिनोमेना. आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट आवर पीपल हैव डैडी इश्यूज. इसके वो हर जगह अपने वो बाप तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं. मगर उसके अलावा जो आपने बात की है इसके हवाले से, कि जो लेंजेस के हवाले से आपने बात की, अगर आप जरा सा जूम आउट करके इन दोनों को देखें, ये जो आपने मुझे दो तबकात मुझे बताए हैं, तो आपको बड़ा दिलचस्प नजर आएगा दैट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली प्लेइंग टू द सेम ऑडियंस एज वेल, द ऑडियंस अब्रॉड. लिबरल उनको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी तरह हैं, वी आर एज क्लोज टू यू एज पॉसिबल, वी आर एज डिफरेंट फ्रॉम दिस जाहिल मुस्लिम जो है. हार्वर्ड के अंदर भी आपने देखे होंगे हमारे बड़े ऐसे पाकिस्तानी होते हैं, मैं बड़ों से मिला हूं, जो आकर बताएंगे कि नो पाकिस्तान, यू कैन नॉट लुक एट पाकिस्तान दिस वे बिकॉज वी आर ऑल्सो पाकिस्तान, वी आर लाइक दिस, नेवर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर द बोर्जुआजी, यू हैव नो अदर वे टू बी बट दिस, इफ यू वर नॉट दिस देन दैट वुड बी एनोमलस. वो भी उनको प्ले करके दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमारा ये है, हमारा वो है, अब हम ये करें, अब हम ये करें. हमारा एनजीओ क्राउड भी उसके अंदर आता है जो कि डोनर्स के आगे परफॉर्मेंसेस करता है कि जी देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने यू इंप्रूवमेंट करके दिखा दी. और जो दूसरा तबका है हमारे पास हाइपर विजिलेंट राइट विंग वाला, जो ये मजहब का नाजायज इस्तेमाल करता है बेसिकली, उनका भी यही है. वो भी उसी ऑडियंस को प्ले करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुमसे बिल्कुल जुदा है, हम तुम्हारी तरह नहीं है. तो अब क्या है? एक कह रहे हैं कि हम तुमसे बिल्कुल जुदा है, उनकी आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लूजन है कि हम तुम नहीं है. दूसरा आके कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह हैं, उनकी आइडेंटिटी ऑफ फेनिंग है, ऑफ कॉपीइंग है, ऑफ मिररिंग है. वेयर इज द एक्चुअलिटी? व्हाट एक्चुअली आर वी? वेयर आर वी? एंड दैट इज वेयर इंडिजेनाइटी एंड पोस्ट सेक्युलरिज्म कम्स इन, एंड पोस्ट मॉडर्निटी एज वेल एज अ ड्रीम गोल ऑफ रियली रियली लुकिंग एट आवरसेल्व्स एंड सीइंग दैट वी आर नॉट एन आइसोलेटेड नेशनैलिटी दैट एग्जिस्ट्स इन अ वैक्यूम. अच्छा, एक आई हेट टू कट यू, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्युलरिज्म? बिकॉज एक बड़ा सवाल होता है, आई डिसएग्री विद दैट, बिकॉज एक दैट्स व्हाट आई थिंक इज वेल, कि एक बड़ा आई थिंक ये भी एक मॉडर्न फिनोमेना है कि नहीं हमने रियासत मजहब को बिल्कुल रियासत से जुदा कर लेना. एंड आई थिंक देयर आर सम गुड रीजंस फॉर दैट इज वेल, क्योंकि हमारे मुल्क में हमने कम अज कम देखा है कि जब आपने मजहब को रियासत में मजहब को रियासत के अंदर शामिल किया है तो उसके क्या नतीजे. लेकिन हमारे मुल्क में हमने देखा है कि जब मजहब और रियासत को शामिल किया करने के लिए मुल्क होना जरूरी है, और मुल्क तब होता है जब रियासत होती है. तो रियासत और मजहब का जुदा होना या इकट्ठे होना सवाल पैदा ही तब होता है जब रियासत होगी. और रियासत क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट नहीं है? वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट. डिड द गवर्नमेंट, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कॉन्सेप्ट नहीं है? उसके बाद उन्होंने तो अपनी रियासतें रखी अपनी मोनार्कीज भी रखी, तो फिर हमारे यहां मोनार्की से इतना एतराज क्यों था?
वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज प्रेडोमिनेंटली डन ऑन रेशियल एथनिक लिंग्विस्टिक लाइंस. प्रेडोमिनेंटली हुडबॉय साहब ये भूल जाते हैं उसका चर्चा करते हुए अपने आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने उनका पर्सनल इंटरव्यू भी किया हुआ है बट इज आउटडेटेड. 80s के जमाने का जो रेजिस्टेंस था ना वो जो हमारी हम लोग जो कहते हैं कि वो उस वाली जो मूवमेंट थी लेफ्ट की गो होम थैंक यू फॉर योर सर्विस यू ऑल क्रिएटेड द रूम फॉर अस टू बी हियर थैंक यू सो मच फॉर इट नाउ इट्स आवर टाइम. खिरत को गुलामी से आजाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर अब आप घर जाए. ये सेकुलरिज्म का टाइम नहीं है. चाइना में आ गया ना सेकुलरिज्म आ गया एग्रेसिव सेकुलरिज्म आया. यू हैव टू राइट दैट यू डू नॉट बिलीव इन गॉड मिलकी जेंडर इक्वालिटी मोइस नहीं माइनॉरिटी राइट्स आ गई क्वेर राइट्स. रशिया के अंदर आ गया ना कम्युनिज्म. ये जो हमारे लेनिनिज्म वर्सेस स्टालिनिज्म वर्सेस ट्रॉट्स्कीज़म वाले जो हमारे लेफ्टिस्ट चाची हैं 60 की दिहाई वाले पसंदीदा उनके टॉपिक्स हैं. सबकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं आज सबकी बीवियां आर द बिगेस्ट लेफ्टिस्ट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. सबकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन हैं. उनके पास आप बैठे उनकी ये डिबेट्स चल रही होती हैं. आ गया रशिया में जाके देख ली होगी जेंडर इक्वालिटी मिल गई क्वेर राइट्स आ गई माइनॉरिटी राइट्स. फ्रांस के अंदर चला जाए अग्रेसिव सेक्युलरिज्म वो तो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है. लेफ्ट और राइट की तो डेफिनेशन ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई थी भाई. और हम कहां जाएं चले हम बापों के भी बाप पे जाते हैं हम फ्रांस के ऊपर चले जाते हैं. अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपनी सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इन लिबरल मुस्लिम्स को और अनफ्रेंचली ब्लैक्स को वो राइट्स दें कि ना दें. मिल गई. तो अगर आपके सेक्युलरिज्म ने इस तमाम हकूक आपको डिलीवर करा के दे दिया तो आप लाके मुझे प्रूफ कर दें. ये भी है कि आपने मुल्क बनाया किस तरह वहां रियासत आपने बनाई उसकी एथनिक बेसिस के ऊपर प्रैक्टिकल दे रहा था. दिस वाज माय प्रैक्टिकल क्रिटिक. नाउ आई विल कम टू द थ्योरेटिकल क्रिटिक ऑफ सेक्युलरिज्म ऑन हाउ इट इज वंस अगेन एक वो 300 ईयर ओल्ड वॉर जो कि यूरोप के अंदर हुई थी जो कि मजहब के नाम के ऊपर हुई थी और मजहबियत के नाम के ऊपर हुई थी तो इसलिए वहां पर यह हुआ. तो अब हमें यह करने की क्या पेंच होती है क्या बकवास है ये. हमारी रियासत डिड नॉट कम आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. हमारी रियासत केम आफ्टर द 1857 वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नॉट इवन वन वॉर दैट इज आवर हिस्ट्री. उससे पहले मुसलमान और हिंदू की लड़ाइयां हो रही थी. हाँ हो रही थी मगर क्या इसलिए हो रही थी क्योंकि एक मुसलमान और एक हिंदू है. अगर हो रही थी तो झांसी की रानी की आर्मी का कमांडर मुसलमान क्यों था. अकबर की पहली बीवी राजपूत हिंदू क्यों थी. Muslims did not even know that they were a minority and Hindus did not know that they were a majority because the category of Muslim as we know it and Hindu as we know it did not exist up until the 1871 census that the Britishers conducted. That was the first time that the people of the subcontinent found out that Muslim is a minority and Hindu is a majority. Because it was the first time that the state came and asked them the question, what are you? They never had to define what are they. क्योंकि हमारे यहां दीन और धर्म दीन या धर्म नहीं था दीन और धर्म था. जंग आजादी में जहां पे यलगार के नाम पे नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा हैदरी याद लगाया गया था वहां पे हर हर महादेव भी लगाया गया था. ये तमाम चीजें इकट्ठी चली थी. कभी किसी ने किसी की बेइज्जती नहीं की थी. औरंगजेब ने जब टेम्पल्स तोड़े तो उसने मस्जिदें भी तोड़ी थी. हिंदुओं ने जब मॉस्क गिराए थे उन्होंने अपने टेम्पल्स भी गिराए थे अपने दुश्मनों के. It was never a Hindu versus Muslim warfare like the BJP tries to paint it right now. Or like some of our idiotic historians try to paint it over here in Pakistan as well. So, ye jo Hindu, the ones who say that Mohammed bin Qasim paida Pakistani tha. Basically, jo wo kehti hain. Wo hai hamare kuch is kisam ke jo ajeeb o ghareeb kisam ke log hain hamare thode paas. To ye jo Muslim, Hindu wala aur ye jo riyasat ki jo character ka jo identity ka concept hai, ye uske baad emerge karta hai. उसके बाद जब हमारे पास रियासत आई तो फिर नीड इमर्ज हुई कि अब आपने अपनी रियासत से मजहब को जुदा करना है या रियासत में मजहब को डालना है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट रियासत बिकम्स एन एंटिटी एंड मजहब बिकम्स एन एंटिटी एज वेल. नाउ यू हैव टू कॉन्क्रेटाइज रिलीजन एंड वंस यू बिगिन कॉन्क्रेटाइजिंग रिलीजन वेरी वहाबी वंस अगेन कॉन्क्रेटाइजिंग रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस दैट इज प्रिसाइजली व्हेन यू टेक इट अवे फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी. जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी. यही तो हो रहा है. दीन का मतलब यहां पे क्या है. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी फेडरल शरीयत कोर्ट जमात इस्लामी व्हाट व्हाट. जो गवर्नेंस मॉडल्स है हमारे जिसके जरिए हम अपनी आवाम को यह बात प्रूव करते हैं कि जी हम एक इस्लामी रियासत है वो मॉडल्स मॉडर्न है. सो क्या बात हम कर रहे हैं.
कुछ पाकिस्तान के मुसलमानों को लगता है कि नहीं तालिबान या आईसिस हकीकी इस्लामी रियासत ले आएंगे. तालिबान केम इन टू बींग इन 1980. दे आर मोर मॉडर्न देन अ लॉट ऑफ द पीपल हु लिव इन पाकिस्तान राइट नाउ. सो व्हाट मॉडर्निटी वी डू वी टॉक अबाउट. तो जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म के फेवर में बात करते हैं, तो हम बेसिकली वो बात करते हैं इन रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ द इस्लामिक स्टेट that we see today. And that model of the Islamic state that we see today is a very bastardized idea thanks to colonial anxieties about Islamic governance and governance of a minority over a majority that was introduced as a result of colonization. So I wouldn't even consider it Islamic governance. Yeah. I wouldn't consider it spiritual governance. Yes, it is shitty. Yes, it is faulty. Yes, uske andar bahut zyada problems hai. But you cannot say ki ek taraf wo hai, ek taraf wo hai, aur in dono ka aapas mein ईंट भट्टे का वैर है. बीच में क्या चीज गायब हो जाती है 1857 की वॉर. हूद बॉय साहब अपनी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया लेके बैठ जाते हैं. आज की जो हमारी नेशनलिस्ट पार्टीज है वो हमारा जी लेनिनिस्टिक एजेंडा अपना एक लेके बैठ जाती हैं. कहीं तो उसके अंदर किसान और मजदूर को शामिल कर देती हैं जो कि उनकी पार्टियों के अंदर है ही नहीं. किसान मजदूर तो उनकी पार्टियों में है ही नहीं. फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज का बच्चा अल्लाह बख्शे उन्हें, अच्छे बच्चे हैं सारे. पीयू के बच्चे, एचएसएन के थोड़े बहुत बच्चे आ गए हमारे पास. अच्छा लम्स के कुछ बच्चे, ये जो अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पास सारे के सारे आ रहे हैं वो थोड़े से बच्चे पकड़े हुए हैं, ऊपर चाचे बैठे हुए हैं. और हमने अपना बनाया कि जी एक ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एक ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है. ऐसा सवाल तो किसी पूछा ही नहीं कि 1857 और 1947 में जो तैयार करके आपको दिया था उससे जान कब छुड़ाएंगे. अच्छा, हमने बात जब करते हैं रिसेंट फिनोमेनास की, तो अब टुवर्ड्स आवर कंक्लूजन लेट्स टॉक अबाउट वन रिसेंट फिनोमेना दैट वी हर्ड अबाउट फ्रॉम यू एज वेल, द बिलास. Yes. और आई थिंक बहुत से लोग पाकिस्तान में थे हु डिड नॉट इवन नो कि अबीला क्या होता है. वी फाउंड आउट व्हेन वी सॉ दैट वीडियो बाय यू. सो अगर थोड़ा बता सकें कि व्हाट इज अबीला. हमने बात की कि ख्वाजा सराओं की तो इधर से ह्यूज यू नो हिस्ट्री, एक पुरानी ट्रेडिशन है. क्या अबीला एक रिसेंट फिनोमेना है, क्या इनकी बहुत पुरानी कोई हिस्ट्री है, और क्या ये इन अपोजिशन टू सम रिसेंट इवेंट्स डेवलप किए हैं, तो क्या इनका स्ट्रक्चर क्या है, कौन एग्जैक्टली अबीला. फारसी चांद का लफ्ज़ है. फारसी चांद हमारी इंडिजिनस ख्वाजा सरा लैंग्वेज होती है जो कि हम ख्वाजा सराओं के अलावा किसी को भी नहीं सिखाते. एंड वी वॉन्ट टू कीप इट दैट वे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा ओरल हिस्ट्री का भी ट्रेडिशन है. बिकॉज व्हेन वी वर बीइंग एक्सटर्मिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स थैंक्स टू द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एंड ड्यू टू द सेंसस एंड ड्यू टू द इंडियन इंपीरियल पुलिस द आईआईपी एंड व्हेन वी वेंट इनटू जो हमारा एक दौर आया था, पर्दे का दौर आया था, जिसको बहुत ज्यादा बाय द वे लिंक किया जाता है इस्माइली मुस्लिम्स के अंदर भी एक दौर आया था. अच्छा, यस, जस्ट टाइम आपके पास हशाशीन्स आए थे. ओके, या जबकि लाल मौत वाला पूरा वाकया था व्हेन देयर वाज सो मच वायलेंस अगेंस्ट देम, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द फातिमीट्स, दैट दे हैड टू गो इनटू हाइडिंग एंड सीक्रेसी. गैब का उसको कहते हैं, आप गैब में जाते हो. तो वी आर लाइक आई सेड ऑल कलंदर्स, सो वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय करबला एंड द स्ट्रगल एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज वेल. बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो फारसी चांद का ये एक लफ्ज है और इस लफ्ज की मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस आपको बेसिकली मिलती हैं बंगाल के अंदर और इंडिया के अंदर भी. वहां पर भी फारसी चांद के वेरियंट्स बोले जाते हैं. आई वुड इनकरेज यू टू ब्रिंग माई चेला फिरदौस नेक्स्ट टाइम ओवर. शी इज अ हिस्टोरियन एंड अ क्वियर स्पेशलिस्ट एंड शी स्पेसिफिकली लुक्स एट द लिंग्विस्टिक्स ऑफ फारसी चांद. कि फारसी चांद की जो लिंग्विस्टिक है ये कैसे इन्फॉर्म्ड है थ्रू द पोलिटिकल वर्नैक्युलर ऑफ प्री मॉडर्न इंडिया एंड कलोनियल इंडिया. बिकॉज हम तो दरबारों में थे ना, हमें सब कुछ पता था. तो फारसी चांद केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ इट. तो वो आपको बता सकती हैं इसके ऑरिजन के ऊपर. लेकिन बीला वॉयलेंस ऑन मूर्ते इज अ मॉडर्न फिनोमिना और ये आपको नजर आता है पाकिस्तान के हर शहर में स्पेसिफिकली, मगर कराची के अंदर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड है. ओके, एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. एंड इज दिस एन अर्बन फिनोमेना? इट्स एन अर्बन फिनोमेना, बट वो अलग बात है कि मूर्तों के ऊपर जहां पे भी उनके ऊपर अटैक किया जाएगा उसको बीलाई ही कहा जाएगा. अच्छा. बिकॉज ये हमारी जबान के लफ्ज़ से कहते हैं बुराई, बदमाशी, किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ आके बेसिकली. तो कराची के अंदर इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ये खुद को बीले का लफ्ज कहते हैं. अच्छा, और इनकी आई वाज अबाउट टू आस्क यू क्योंकि आप इन्हें बीला कहते हैं, खुद भी अपने आप को बीला कहते हैं. अपने आप को बीला कहते हैं. ओवर द पास्ट 20 to 30 years व्हाट दे हैव डन इज थ्रू अ पैटर्न. अब इनके जो बड़े ना वो काफी बड़े हैं और वो अपने छोटों को सबक सिखाते हैं. इट्स ऑल्सो लाइक उन्होंने मिमिक किया है हमें. कभी कभार मुझे ये लगता है अपने डार्क देखी है कि कैसे डार्क में मैटर के जवाब में एंटी मैटर होता है. तो मुझे तो बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, मुझे कभी कभार ये लगता है कि खुदा ने जब हमें बनाया, खुदावंत की जात ने, और ये इतनी जहादें हमारी रास्ते में लिखी मूरत बरादरी के रास्ते में, ख्वाजा सरा बरादरी के रास्ते में, तो आज की जो हमारी जहाद उसने लिखी खुदा की जात ने, तो मेरे ख्याल से वो ये वाली लिखी. बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू अस इन ऑल टर्म्स. हम ऑर्गेनाइज्ड है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है. हमारे नेटवर्क्स हैं, उनके भी नेटवर्क्स हैं. हमारे नेटवर्क्स का काम क्या है, हमारी ख्वाजा सलाहियत का मतलब क्या होता है, मर्दानगी को झाड़ना, बुरी मर्दानगी को, वो वाली मर्दानगी जिसके अंदर हसूल है कि इश्क में किसी को हासिल करना है, किसी को पास पाना है. ख्वाजा सलाहियत में अपनी उतारनी होती है, हसूल कभी भी नहीं, क्योंकि हर जात खुदा के हाथ की बनाई हुई जात है. वो मुसव्वर की मुसव्वरी है, आप उसको देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको हासिल कभी नहीं कर सकते.
हासिल ये नहीं करना आपने कभी भी, हम वो हैं वो अपोजिट है, वो कहते हैं कि तुम मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी हो, उसमें मैंने जितनी और रखेंगे रखें, तुम दोगी तो सिर्फ मुझे दोगी, मैं 4 बजे बोलूंगा 4 बजे दोगी, 2 बजे बोलूंगा 2 बजे दोगी, सोफे बोलूंगा सोफे में दोगी, ये वाले कपड़े पहन के बोलूंगा कपड़े में दोगी, जो मैं कहूंगा तुम करोगी, इन रिस्पॉन्स टू इन रिटर्न फॉर व्हाट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हूम, माई सेल्फ। तो जब 17 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक मैं इस कल्चर के अंदर रही हूं, तो मैं क्या, मेरा दिमाग किधर है, मैं क्या आजादी हासिल करूं, मैं ब्री लार्सन द रूम की, मैं महवेश हयात हूं ISPR की एक्शन फिल्म की, 1857 से हमारी मूर्ति ये जुल्म झेलती आ रही है, वो कब तक करे, वो थक गई है, उनको बोलते हैं कि बस ये हमारी एग्जिस्टेंस है, हम इसी के अंदर मजबूर जकड़ी रहेंगे, हम इसी के अंदर पड़ी रहेंगे। सो बिलास की ये काम करने का तरीका होता है, वो नंबर वन मूर्तों को अपना सेक्शुअल स्लेव, अपना यरमानी बनाते हैं, उसके अलावा उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि अगर वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो मूर्त ब्रेक करेगी तो उसको 3 पनिशमेंट्स दी जाएंगी, द इजिएस्ट पनिशमेंट इज मारपीट, द टफ सेकंड टफ पनिशमेंट इज गैंगरेप, ऑल ऑफ दीज आर वीडियो टेप्ड बाय द वे, एंड द थर्ड वन इज गैंगरेप अलॉन्ग विद कटिंग ऑफ हेयर, कटिंग ऑफ हेयर इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट जलालत इन ख्वाजा सरा कल्चर। लास्ट हमारी होती है बेपर्दगी, पब्लिक में आपकी शलवार उतारना वो बेपर्दगी है, वो तो उस पर तो सम ऑफ आवर गुरुज विल कमिट सुसाइड, वो बोले कि हम बेपर्दा हो गई हैं तो बस अब तो हम खुदा से जाके मिल रही है फिर, कि तो अब ये दुनिया हमारे लिए नहीं रही है। लेकिन ये 3 वो चीजें हैं जो कि बेसिकली ये बीले करते हैं, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, लांडी कोरंगी के अंदर काफी ज्यादा इनके ग्रुप्स हैं, इनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो यंग बॉयज हैं, प्रेडोमिनेंटली बिटवीन द एजेस ऑफ लेट टीन्स एंड मिड 20s, प्रेडोमिनेंटली दे आर ऑल मेन, दे आर मैरिड सम ऑफ देम, दे हैव वाइव्स एंड किड्स एट होम व्हिच दे मेंटेन, ताकि पब्लिक को अपनी डिसेंसी ये दिखा सकें। मेरे ऊपर जो अटैक हुआ वो ऑर्गेनाइज्ड बीला वायलेंस था, आप लोग मेरी प्रोफाइल @unrelentlesslyyours ऑन इंस्टाग्राम जाके देखें, तमाम डिटेल्स वहां पोस्टेड हैं। इसका केस अभी परसू हो रहा है, कुछ देर के लिए ये बीले ठंडे हो गए थे, खामोश हो गए थे, सिर्फ धमकियां दे रहे थे, आज इन्होंने आज की तारीख में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐलान जंग किया। मैं आपको उनकी आगे की स्ट्रैटेजीज भी बता सकता हूं, इनके 2 तरीके होते हैं काम करने के। सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो तमाम मूर्तें, वो तमाम ख्वाजा सराफ जो वॉयलेंस ऑफ बिलास के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जाके ये हर थाने के अंदर FIR कटवाएंगे, हर थाने के अंदर, क्योंकि ख्वाजा सराफ पुलिस से डरते हैं, तो ख्वाजा सराफ उनको पता है कि वो ये डर के चुप हो जाएंगे। नंबर टू ये क्या काम करेंगे, नंबर टू ये पब्लिकली ये फैलाना शुरू कर देंगे कि ये जाली ख्वाजा सराय असल में ये मर्द है और ये माशरे में बदफेली फैला रहे हैं। वेयर इज दिस आर्ग्यूमेंट कमिंग फ्रॉम, द कॉलोनियल स्टेट, या so doesn't history repeat itself, yeah, and so does our struggle, so does our jihad, so does our fight, so this is what bilas are, jinhone mujhe attack kiya tha, agar unke jo do main leading hai agar wo bhi apprehend ho jati hai na, literally agar wo apprehend ho jati hai, inki kamar yu tootegi, because ye shadid phattu hote hain, phattu bade bade bante hain na, jo itne bade bade bante hain, jo 40-40 ke 50-50 ke group ke andar aake do do ka rape karna pasand karte hain, wo ek ho jaye na, jab ek akela hota to wo पीपी निकलती है उनकी। मैंने अपने हाथों से पकड़ के धमकाया था इन्हें जब मेरे ऊपर उन्होंने अटैक किया था और इनके सरबराहान इनको छोड़ के भागे थे मुझसे कुट खाने के बाद और बंदूकें आने के बाद, बिकॉज दे हैव नेवर सीन फेमिनिन स्ट्रेंथ, इन्होंने कभी दुर्गा नहीं देखी, कभी शक्ति नहीं देखी, कभी लड़ती हुई औरत नहीं देखी। और थैंक्स टू आवर मीडिया एंड आवर चैनल्स, हमने भी एक रोती धोती हुई माहिरा खान का जो नैरेटिव हम लोगों ने बनाया, इंक्लूडिंग वरना, वरना में भी जिस तरीके से उन्होंने वो ग्लैमराइज करके उन्होंने प्रेजेंट किया उसको, कि टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन यू आल्सो हैव टू बी ब्यूटीफुल, नो यू डोंट हैव टू बी ब्यूटीफुल, दिस इज माय मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर, लुक द वे यू वांट टू लुक, बी योर ओन स्ट्रेंथ, इट्स द डिवाइन हु हैज ब्लेस्ड यू विद फेमिनिनिटी, जिस जिस तरीके से आपकी फेमिनिनिटी निकल के बाहर आ रही है उसको चैनल करें, वो आपकी कलंदरियत है। सो ये है बिलास, लेकिन मैं भी पढ़ गई हूँ मोइस साहब, इसमें मोइस को आपके पास अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से, इस केस के बारे में अपडेट्स ये हैं कि 13 अक्टूबर को मलीर थाने में प्री अरेस्ट बेल की सुनवाई है, एक बीले की जिसका बाप खुद पुलिस के अंदर है, अगर कि वो उधर आता है, वो उसने खुद एप्लीकेशन फाइल की, उसको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, वो कह रही है कि वो फरार है। 13th को मलीर के अंदर मेरी सुनवाई होगी @8:30 AM 13th अक्टूबर को। अगर आप कराची के अंदर हैं प्लीज़ कम फॉर सपोर्ट, शायद वो उधर आएगा, एंड लॉयर्स आर गोइंग टू आर्ग्यू अगेंस्ट हिज बेल, and we think he needs to be arrested so that he becomes a part of the investigation. अभी तक तो investigation का हिस्सा भी नहीं बना, उसने अपना बयानिया भी नहीं record किया। अगर के वो arrest हो जाता है that is very good, अगर के वो नहीं होता तो वो शायद उधर आए ना, ये भी possibility है, ये भी एक possibility है कि वो वहाँ पे आए, उसकी bail मंजूर ना हो और वो वहाँ से फरार हो जाए, वहाँ से भाग जाए, it's extremely common in Pakistan, ये वाली चीज़ भी होती है। सो ये इस केस के ऊपर अपडेट्स हैं। अब इसके अलावा कोई अल्लाह वली, कोई अच्छा बंदा, कोई अच्छी औरत, कोई अच्छी मूरत,
खुद इस केस में शामिल होकर अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके बड़े बड़े पुलिस अफसरान को फ़ोन करके या हुकूमत वक्त को फ़ोन करके इस गैंग को तोड़ने में रियली ख्वाजा सरा कम्युनिटी की हेल्प करना चाहती है। तो सो बिस्मिल्लाह, इस केस के अंदर एक अपडेट ये है, दो अपडेट्स ये हैं इनफैक्ट। कल कुरंगी के अंदर सायमा नामी ख्वाजा सरा को लिटरली तेलजाब में नहलाया गया, दे बेद्ड हर इन एसिड, उसके कमरे के अंदर उसकी स्किन और फ्लैश पड़ी हुई है। आज पारस और शहजादी, दो ख्वाजा सराय, शहजादी इज ऑल्सो द फोकल पर्सन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट ऑन वायलेंस अगेंस्ट ख्वाजा सराज, उनके बारे में उर्दू अखबारों के अंदर और सिंधी अखबारों के अंदर इन्होंने अपनी ये वाली बातें निकाल दी हैं कि जी ये झूठे मर्द हैं जो कि खुद खुसरे बने हुए हैं और ये माशरे में बदफेली फैला रहे हैं। क्या बदफेली? और ये एनजीओस चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? खुद तो वो कसाई हैं, क्योंकि बीलों पे अब आई है ना, जिंदगी में पहली बार किसी ने बीले का लफ्ज इस्तेमाल किया तो अब उनकी हटी हुई है, उनको लगा हुआ डर। एक आखिरी बात जो मैं बीला के वाले से कहना चाहूंगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों की ऑडियंस को पता होनी चाहिए, इनका हर तशद्दुद का एक्ट एक थिएटर होता है, दैट इज व्हाई इट इज वीडियो डॉक्यूमेंटेड, दे डू इट फॉर फन, इट टर्न्स देम ऑन, ये वाली बात मत भुलाएं, इट टर्न्स देम ऑन। हर तशद्दुद का केस मेरे वाला हो नहीं सका, मगर फिर भी 40 मैन, 12 मैन एक्टिवली ट्राइंग टू टेक मी आउट ऑफ अ कार, ब्लेजिंग टू गन्स ऑन देम, व्हाई? ये क्या था? इट वॉज अ थिएटर ऑफ मैस्कुलिनिटी, तेजाब में नहलाना, मग डाल डाल के प्लास्टिक के। क्यों? 3 महीने पहले लियाकत हॉस्पिटल में, जिना जो आप लोगों का हॉस्पिटल है कराची के अंदर, उसके अंदर मुझे बता रही थी एडिशनल सर्जन जो है वहां की, पुलिस सर्जन, कि वहां पे एक बूढ़ी ख्वाजा सरा की लाश आई थी जिसको टॉर्चर किया गया था फॉर मल्टीपल आवर्स, मरी थी, नाक काटा हुआ था, तोड़ा हुआ था, मल्टीपल कट्स थे, देयर स्लाइसिंग और फ्लैश होते, उसके नाखून निकाले हुए थे, उसके जेनिटल्स पे कट्स थे, एवरी इंजरी इमेजिनेबल इन द डिक्शनरी ऑफ फॉरेंसिक वाज ऑन दैट बॉडी एंड देन सम दैट वी डोंट इवन हैव नेम्स फॉर, व्हाई? बिकॉज वी आर ऑब्जेक्ट्स टू देम एंड दे वांट टू प्ले विद अस। थैंक यू सो मच मोइस फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग।